तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का चैनल के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज का वीडियो हमारा होने वाला है राजस्थान को एक और नई ट्रेन जो है वो भारतीय रेलवे तोहफे में देने जा रहा है। हालांकि एक स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन है जिसका संचालन रेलवे मई से शुरू करेगा, 6 मई से। और ट्रेन नंबर होने वाला है इसका 09129 और 09130। वडोदरा से हरिद्वार के बीच में ट्रेन का संचालन होने वाला है और ये एक LHB रेक के साथ में संचालित होगी ट्रेन। और बात करें इसकी टाइमिंग को लेकर के, तो ये जो ट्रेन है 6 मई से हर शनिवार को शुरू होगी वडोदरा से शाम को 7 बजे और गोधरा दाहोद होते हुए ट्रेन पहुंचेगी रतलाम रात के 10:35 पे। 10 मिनट का हॉल्ट लेकर के ट्रेन जो है वो आगे पहुंचेगी नागदा होते हुए कोटा रात के 2 बजे। 10 मिनट का हॉल्ट लेकर के ट्रेन जो है वो कोटा से आगे रवाना हो जाएगी और गंगापुर सिटी रुकते हुए ट्रेन पहुंचेगी मथुरा जंक्शन। मथुरा पहुंचेगी ट्रेन सुबह के 6:25 पे। 2 मिनट का हॉल्ट लेकर के ट्रेन जो है फिर वो निज़ामुद्दीन पहुंचेगी सुबह के 8:35 पे। यहाँ पे लगभग 15 मिनट का हॉल्ट लेकर के ट्रेन जो है वो आगे रवाना होगी। यहाँ पे ट्रेन का लोकोमोटिव और क्रू चेंज होगा। उसके बाद में ट्रेन गाज़ियाबाद पहुंचेगी सुबह के 9:24 पे। 2 मिनट का हॉल्ट लेकर के ट्रेन जो है वो फिर आगे बिल्कुल रोहतक या रुड़की होते हुए ट्रेन पहुंचेगी हरिद्वार दोपहर के 2:30 पे संडे को। इस तरीके से ये जो ट्रेन है 1238 किलोमीटर के रूट को कवर करेगी 19:30 में और इसकी एवरेज स्पीड जो है यहाँ पे 63.52 किलोमीटर प्रति घंटे की होने वाली है। वापसी के दौरान हम बात करें तो ट्रेन नंबर 09130 जो है हरिद्वार वडोदरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस वो शाम को 5:20 पे रवाना होगी हरिद्वार से। रुड़की पहुंचेगी ट्रेन शाम के 6 बजे और 2 मिनट का हॉल्ट लेकर के ट्रेन जो है वो फिर आगे निकल जाएगी गाज़ियाबाद के लिए। गाज़ियाबाद पहुंचेगी ट्रेन रात के 9:18 पे। 2 मिनट का हॉल्ट लेकर के ट्रेन जो है वो आगे रवाना होगी निज़ामुद्दीन के लिए। निज़ामुद्दीन पहुंचेगी ट्रेन रात के 10 बजे और 15 मिनट का हॉल्ट लेकर के ट्रेन आगे रवाना होगी। मथुरा पहुंचेगी ट्रेन रात के 12:08 पे। 2 मिनट का हॉल्ट लेकर के ट्रेन जो है गंगापुर सिटी होते हुए कोटा पहुंचेगी सुबह के 3:40 पे। 10 मिनट का हॉल्ट लेकर के ट्रेन नागदा क्रॉस करते हुए रतलाम पहुंचेगी सुबह के 7 बजे। यहाँ पे भी 10 मिनट का हॉल्ट लेते हुए दाहोद गोधरा क्रॉस करने के बाद में ट्रेन वडोदरा पहुंचेगी दोपहर के 11:25 पे। इस तरीके से ट्रेन जो है वो संचालित की जाएगी। कोचेस के बारे में मैं आपको बता दूँ तो इसमें एक फर्स्ट AC, 2 सेकेंड AC, 6 थर्ड AC और 8 स्लीपर कोचेस के साथ में इसमें 2 जनरल कोच भी यहाँ पे यूज़ में लिए जाने वाले हैं। और कुछ भी चेंजेस यहाँ पे देखा जा सकता है, चेंजेस किए जा सकते हैं इसमें, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा और चेक करने के बाद ही ट्रेन में अपनी टिकट की बुकिंग करवाइएगा। फेयर्स भी जो है वो यहाँ पे स्पेशल ट्रेन है तो चेंजेस हो सकते हैं, जिसको लेकर के आपको खासा ध्यान रखना है। तो फिलहाल ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। मिलेंगे भी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।